देश में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 बिलों को लेकर एक बार फिर किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी दौरान एक बार फिर पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं के लिए कूच कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया। इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को किसानों के समर्थन में अपने अमृतसर और पटियाला वाले आवास पर काला झंडा फहराया। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा, सुनिए जरा। पंजाब आज 3 काले कानूनों खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब की डुबदी किसानी नू बिल्कुल ही खत्म करने वास्ते लियांदे गए हैं। बद नालों बत्तर बनाने दे लई लियांदे गए हैं। छोटे व्यापारी ते मजदूर दे पेट दे उत्ते लत मारन वास्ते, उदी रोटी दे उत्ते लत मारन वास्ते लियांदे गए हैं। जे खेती कानून रद्द ना होए, MSP नू होर फसलां, सब्जियां, फ्रूट, दालां दे उत्ते, ऑयल सीडां दे उत्ते किसानां नू दे के सरकारी खरीद ना हुई, किसानां हथ स्टोरेज ना दिता गया ते किसानी ते वादा कर्जा खत्म ना होया ते पंजाब नहीं उठना। पंजाब दी तरक्की दी हर राह किसानी तो ही हो के जांदी है। एक काला झंडा मेरे घर ते इन्हां काले कानूनां नू ठुकराउण ते इस किसान मारू सिस्टम नू ठुकराउण दी निशानी है। ते जब तक इस सिस्टम नू बदलांगे नहीं तद तक यह झंडा उतरेगा नहीं। आपको बता दें 24 मई को नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो अपने अमृतसर और पटियाला वाले दोनों घरों पर 25 मई सुबह 9:30 बजे किसानों के समर्थन में काला झंडा फहराएंगे। इसके आगे नवजोत ने लिखा कि हर किसी को किसानों के समर्थन में आकर अपने घरों पर काला झंडा जब तक फहराना चाहिए जब तक देश का किसान खुद को सुरक्षित महसूस न करे। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 बिलों के विरोध में धरने पर बैठे हैं, जिसे कल यानी 26 मई को इस प्रदर्शन को पूरे 6 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में किसान 26 मई को इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के किसानों ने एक बार फिर दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानून को वापस नहीं लेती तब तक देश का किसान प्रदर्शन से नहीं उठेगा।